चलो अब पढ़ते हैं ना, चेंजेस ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, चेंजेस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। अच्छा, लिक्विड सॉलिड में जाएगा, बताया था ना, इसे बोलते हैं फ्रीजिंग। द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट इज चेंज इनटू इट्स सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग। बात समझ रहे, तो फ्रीज करते भी हो तुम लोग घर पे फ्रीजर में रख के, तो इसीलिए फ्रीजिंग समझना आसान है कि किसी भी लिक्विड स्टेट से, किसी भी लिक्विड स्टेट से कोई जब सॉलिड में जाता है तो सॉलिड स्टेट में जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। देखो, जिस टेम्परेचर पे जाता है उसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू इट्स सॉलिड स्टेट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे ये काम होता है उसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक, ये भी हो गया। चेंजेज ऑफ लिक्विड इंटू गैस, जो चेंजेज ऑफ लिक्विड इंटू गैस, जो लिक्विड होता है उसका गैस में कैसे चेंज होता है, या वेपराइज, ठीक है, इसको हम लोग दो चीज़ बोलते हैं, या तो वेपराइजेशन या तो बॉइलिंग पॉइंट। द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस इज लिक्विड स्टेट चेंजिंग इनटू द गैस, जब कोई लिक्विड स्टेट से किस में चला जाए, गैस स्टेट में चला जाए, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन या तो फिर बॉइलिंग पॉइंट आर कॉल्ड बॉइलिंग आर वेपराइजेशन। ठीक, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, जिस वो टेम्परेचर जिस पे ये काम होना स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, कहते हैं ना। ठीक, अब सुनो, इसमें भी जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पढ़ा था, वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो मतलब क्या कि हम किसी लिक्विड को रखेंगे वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट गिविंग हीट। ये लेटेंट मतलब होता है हिडन हीट, ऐसी हीट जो छुपी हुई हो। ठीक है, तो ऐसे तो इट इज़ द डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, इतनी हीट की रिक्वायर्ड हो किसी भी सब्सटेंस के कन्वर्ट टू वन यूनिट ऑफ मास ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इन टू द वेपर। लिक्विड को किस में जाना है, वेपर में, लेकिन हाँ, पहले से उसके अंदर हीट छुपी होगी, लेटेंट हीट, उसके अंदर पहले से ही हीट छुपी होगी, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फ्यूज़न नहीं वेपराइजेशन। ठीक, एग्जांपल के लिए देख सकते हो, मरकरी और एथाइल अल्कोहल, ये दो ऐसे सब्सटेंस हैं मरकरी और एथाइल अल्कोहल, जो डायरेक्ट अगर हम लोग लिक्विड स्टेट में यहाँ रख दें, यहाँ लिक्विड स्टेट में रख दें, तो ये डायरेक्ट किस में चले जाते हैं, वेपर में चले जाते हैं, डायरेक्ट धीरे धीरे अपना वेपराइज हो जाते हैं। ठीक, अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द वेपर चेंज इनटू द लिक्विड, यही तो होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हम लोग अब वेपर को अब लिक्विड में लाएंगे, रिवर्स प्रोसेस ऑफ किसका, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। नॉर्मली बाय कूलिंग, कैसे करते हैं, कूल करके, इसे हीट नहीं देना है, इसे कूल करना है, जब कूल करेंगे तो वेपर किस में चला जाएगा, लिक्विड में, इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। चेंजेस ऑफ सॉलिड इनटू द गैस, पता है सॉलिड को गैस के जाने को सब्लिमेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल कैम्फर है, जो हम लोग घरों में होगा भी कैम्फर, ठीक है, तो कैम्फर इसका एग्जांपल है। चेंजेस ऑफ, तो क्या होता है, सम सॉलिड विच हैव द हाई टेंडेंसी टू गो टू द गैसियस स्टेट इन डायरेक्टली चेंज इन टू द वेपर स्टेट। क्या होता है, गैसियस स्टेट क्या होता है, सम सॉलिड, सॉलिड किस में जाएगा, गैसियस स्टेट में जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कि इसका सब्लिमेशन हो गया। सम सॉलिड हैव द हाई टेंडेंसी टू गो टू द गैसियस स्टेट टू डायरेक्टली इनटू द वेपर स्टेट ऑन हीटिंग, दिस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ अ सब्लिमेशन इज कॉल्ड द डी सब्लिमेशन, इसे बोलते हैं डी सब्लिमेशन आर डिपोजिशन, इसे डिपोजिशन। द रिवर्स प्रोसेस, इसका रिवर्स प्रोसेस मतलब गैस से सॉलिड में आने को हम लोग बोलते हैं डी सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल, सब्लिमेशन का मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, कुछ ऐसे सब्लिमेशन, द फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड विच अंडर गो सब्लिमेशन आर आयोडीन कैम्फर नेप्थलीन ETC। बात समझ आ गया, ठीक, इस तरीके से मेरा ये ख़त्म हो गया। अब नया टॉपिक हम लोगों का शुरू होगा, देखते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, कल, यहाँ तक नोट करो।